हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक। आज का वीडियो हमारा है स्लैब की क्योरिंग के बारे में। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं क्योरिंग क्या होता है। क्योरिंग, हम हिंदी में उसे तराई करना भी बोलते हैं। और क्योरिंग करने का मेन रीज़न क्या होता है कि जिससे हमारी जो भी कंक्रीट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सके। क्योरिंग एक तरह से प्रोसेस है, मतलब उसे स्लैब को गीला रखने का, मतलब पानी उसमें प्रॉपर हम डालते रहें। अगर हम क्योरिंग नहीं करेंगे तो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक तो हमारा कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, प्लस उसमें क्रैक आने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये फेलियर हो जाता है हमारे लिए। फेलियर उस स्ट्रक्चर में फेलियर आने के ज़्यादा ज़्यादा 75 से 90% चांस हो जाते हैं फेलियर होने के। तो इसलिए क्योरिंग करते हैं। तो क्योरिंग हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया। तो आज हम बात करेंगे स्लैब क्योरिंग के बारे में। इंडिया में मोस्ट कॉमन स्लैब की क्योरिंग करते हैं हम पॉन्डिंग मेथड से, जो आप देख सकते हैं, जो हमारी छोटी छोटी बाउंड्रीज टाइप की बना रही है, छोटी उसका धूली बजरी और सीमेंट के मिक्स से, इसे हम पॉन्डिंग मेथड बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हम छोटे छोटे पॉन्ड्स टाइप के बना देते हैं, उसमें पानी स्टोर कर देते हैं, डाल देते हैं पानी, जिससे हमारी क्योरिंग होते रहे। तो मिनिमम 7 डेज तक आपको क्योरिंग करते रहनी है, जिससे आपकी स्लैब 70% स्ट्रेंथ तो गेन कर लेगी 7 डेज में। बाकी 20 डेज में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, 14 डेज में 90%। तो आपको ध्यान रखना कि आपकी प्रॉपर क्योरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये पॉन्डिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्लैब की क्योरिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।